बैठे हैं चटाई पे मगर अर्श रशी है। बैठे हैं चटाई पे मगर अर्श नशी है। मगर अर्श बैठे हैं चटाई पे मगर अर्श नशी है। सीखनी है आज तो सीख को मुहम्मद से। बैठे हैं चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर शाह तेरी राह में एक खाके नशी है। सीखनी है तासे को आज सीखनी है तासे को आज मोहम्मद से। फरमाया करते थे मैं ऐसे खाता हूँ जैसे गुलाम खाता है। बताओ ऐसी बातें करते थे। मैं ऐसे बैठता हूं जैसे गुलाम बंदा बैठता। एक औरत पे कब कभी तारीफ कुछ आका की है बस उस पर तारीफ। कहा मुझसे क्यों डरती हो, तुमको पता नहीं है मैं कौन हूं। मैं अपना तारफ कराऊं उस औरत को कहा। कहा मेरी माँ शोरे में भीगी हुई रोटी खाती थी भिगो कर, मैं उसका बेटा। ऐसी आजी की बातें करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनका पेशाब नूर ईमान हमारे नजदीक, तुम्हारा तुम्हारा तो पता नहीं किसके अकीदे के। पेशाब नूर ईमान, पेशाब नूर ईमान, हौज़े कौसर से मुझे अफसर आए। वही आपको पता नहीं इस औरत, आप एक दफा पेशाब करके गए थे किसी बर्तन में रखा था, आए थे मैं इसको फेंक लूं। आप लोगों के मिजाज को जानते थे, अकलों के मुताबिक बातें करते थे, सिखाते थे कि जैसे लोगों की समझ हो ऐसी बात किया करो, ज्यादा बारीक या गहरी ऐसी बातें ना किया करो, मना फरमाते थे। किसी उजर से पेशाब किया था तो आए थे मैं खुद ही फेंक दूं, आजजी मोहम्मद खुद ही फेंक, खुद ही मैं अपना पेशाब है। जब आए थे बर्तन खाली था तो जहां वहां देखे एक औरत बैठी थी, आपने कहा इसमें पेशाब था मैंने फेंकना था। उसने कहा मैं जब आई मुझे प्यास लगी हुई थी, मैं समझी ये पानी है मैंने पी लिया। किस्मत उसकी, किस्मत इसको कहते हैं, किस्मत इसको किस्मत कहते हैं। आपने कहा लन तश्तकी वतन की बादल यौम अबदन, कभी तेरे पेट में कोई बीमारी नहीं आएगी। जा आपका पेशाब शिफा, आपका थूक शिफा। उस कुआं में थूका थूका वो कुआं हमेशा ही के लिए मीठा पानी बन गया। बताओ आपकी जात का वसीला तो बड़ी चीज है, आपका पेशाब रहमत रेशाब। क्योंकि आपका मादा नूर इलाही है ना, हमारा तुम्हारा मादा जो है इसीलिए तो गुनाह होते हैं ना। हमारा तुम्हारा मादा और आका का मादा नूर इलाही कब्ज़तुर रहमत रहमानिया। अल्लाह ने औलिया अल्लाह कैसे अपने नूर से एक मुट्ठी भरी और कहा कूनी मोहम्मदन, ए नूर मोहम्मद बन। फकानत या मोहम्मद इब्न अदनान, फिर ये नूर नाम बशरियत का लेके चल पड़ा। लेकिन असल में नूर थे, नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था शक्ल इंसानी में छुपा था, शक्ल इंसानी में छुपा था मुझे मालूम न था। इसी आपका जिस्म पाक, आपकी हर चीज पाक, आपका बोलो बुराज पाक, कि आपका मादा नूर इलाही है। दूर न जाए, एक हल्की मिसाल देखो, मिसाल ना नहीं लगती है लेकिन समझ में शायद कुछ आ जाए। हमारे तुम्हारे ये शायद की मक्खी देखो फूल वगैरह खाती, क्या अफजल है रसूलुल्लाह से? इसका जो निकलता है पखाना हम लोग उसको खाते हैं, खाते हैं ना।
आकाश तो अशरफुल मखलूकात, उनकी मिसाल तो है ही नहीं। मिसाल आदमी देखो, मिसाल मिले ना, मिसाल तो है ही नहीं। जैसे अल्लाह की मिसाल नहीं है, ऐसे आका जी की भी मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं समझ सकते। 41 दिन मक्के में कुछ नहीं खाया, सारी उम्र भी ना खाते, फर्क ना पड़ता। और जो उनसे मोहब्बत करे, पानी ना पिए, नहीं मरते, बताओ। उनकी तो बड़ी बात है, अगर मोहब्बत कर ले, पानी ना पिए नहीं मरेगा। तुमको कायल नहीं करना, हम कायल हो चुके हैं। जब मोहब्बत करोगे, खुद ही कायल हो जाओगे कि तुमको वाकयात पेश आएंगे ना, फिर सब कुछ छोड़ दोगे। ये दर दर की ख्वारी और दर दर की मुसीबत और दिल का कमजोर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब वसवसे खत्म हो जाए। सुकून की जिंदगी, नशे में सोओ, नशे में चलो, नशे में उठो, बस एक ही गम, सरकार खुश है, नाराज तो नहीं है, बस सारे गम खत्म हो जाए। रहमत लिल आलमीन। तो सरकार है क्या इसका, ये कि 41 दिन मक्के में नहीं खाया, रोजा रखा, रोजा खोला ही नहीं 41 दिन। पहले दिन रोजा रखा, साहबा के अब खोलेंगे, हम खोलेंगे, नहीं खोला। साहबा ने इंतजार में थे, उन्होंने भी नहीं खोला। दूसरे दिन देखा, फिर नहीं खोला। साहबा ने फिर गिरना शुरू कर दिया, कहा अय्युकुम मिस्ली, मेरे जैसा कौन हो सकता है, मुझे अल्लाह खिलाता पिलाता है, तुम मुझे छोड़ो, तुम अपने खोल लिया करो रोजे। 41 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, सारे वो भी नहीं खाते पीते, वो तो खाते पीते थे, हमको आपको सिखाते थे, सोना तो ऐसे ही होता था, हमको तुमको आदाब सिखाते। जो आदमी सोता है तो होश खो बैठता है, वजू करता है। आप उठते थे तो वजू नहीं फरमाते थे नीचे, कहते मैं सोता हूं, मैं दिल नहीं सोता, मैं जाग रहा होता हूं। सिर्फ बता जाने क्या मेरे हक है और क्या है। मुंतकिल हुए बशरियत में, आपने खुद कहा ना, कुंत नबियन व आदम बैन अलमा वस्ती, मेरी नबूवत मौजूद थी, मेरी जात मौजूद थी, तब वो नबूवत का ताज मैंने पहना हुआ था। अभी आदम का पानी भी पड़ा हुआ था, गारा भी पड़ा हुआ था, जान भी नहीं पड़ी थी, हम थे। फिर हम क्या समझ सकते, इंसान के अंदर क्या होता है, बशरियत में आए हैं जी। सही हदीस में उनका ऑपरेशन किया गया दिल का, जिब्रील ने गमजम से धोया, आपने मेरा दिल निकाला, धोया, सारा दिल निकाला, सरकार जिंदा थे। तुम्हारा दिल को निकाले जिंदा, 100 डॉक्टर पर ऑक्सीजन लगाती हैं, क्या लगाती हैं, खूनों की बोतलें चढ़ाते हैं, फिर जाके तुम्हारा दिल का ऑपरेशन कर। सरकार का सारा दिल बाहर निकाल के धो रहे थे, जिब्रील साहब फरिश्ते आए हुए थे और आका जी देख रहे थे, कहते मैं देख रहा था। अब क्या समझे सरकार, बस जिसको दुनिया आखिरत की खैर चाहिए, रहमत आलमीन, आलमीन सारे के लिए रहमत है, कोई भी मुसीबत हो उनकी रहमत बचा सकती है, तो फिर जुड़ो उनसे, आज भी कल भी क्यामत में बचा सकते हैं, कब्र में भी बचा सकते हैं, हर मुसीबत दूर कर सकते हैं। तुम्हारी माली यानी मुसीबत हो, जानी मुसीबत हो, दुश्मन की कोई भी हो, जिसका फैसला नामुमकिनात में से, वो भी कर देंगे। वो किया है ना, किया है नहीं कि कर देंगे, किया है और करते हैं। चलें जी, सरकार को हम जाने क्या दा है उन्हें से ये जहां, दाए उनसे ये जहां, सरकार को हम जाने क्या जिंदा उनसे, सब जहां में मुबारक आपका नाम के फायदा नहीं पता, सुनने सुनाने तक उसको नहीं यकीन आता ना, उसको जैसे इनकार है। बता भाई सरकार है, नबी है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, लेकिन हकीकत है,
हर किस्म का फायदा पहुंचेगा और बेपनाह फायदा पहुंचेगा। तो मुर्दा भी होगा, बीमारी से चलेगा, बीमारी से पर हावी नहीं होगी, हर चीज का जोर टूट जाएगा, बस जरा निगाह कर्म करने, बस हयात नबी है ना। हम वो लोग नहीं है कि जो कहते थे वो तो मायूस होकर बैठ गए, अगर होते वो है नहीं, नबूवत का मसला था तबलीगी चले गए, वो तो इतना ही समझे हैं, उनकी तबलीग हर वक्त जारी है, उनकी रूहानियत से सारी मुसलमानों का यही अंबिया का औलिया का तुम्हारा ईमान कायम है, उनका रूहानियत ईमान निकल जाए हम लोगों, उनकी रूहानियत से सारी कायनात की नियमतें चल रही हैं। अब ये कैसे चल रही है, कैसे पता चले, किताबों से नहीं पता चलेगा, किताबों किसी ने कह दिया, ये फैज से पता चलेगा। जो चीज जिस तरीके से पता चलती है उसी तरीके से समझ में आएगी, बातों से नहीं समझ आएगी, बातों से एक बात समझाइए ऐसे है, अब वो समझने के लिए फैज चाहिए। तुमको फलान जगह ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, वो तो तुमने सुन, अब देखोगे कैसे, अब तुमको आंख चाहिए, आंख होते तो देखे, आंख में रोशनी नहीं है, नूर ईमान वाली, अंदर वाली रोशनी नहीं है, जैसे ये आंखें होती दिल में भी आंखें होती, खुदा ने कहा कि दिल अंधे हैं, हाँ तो फिर तो जिक्र अज़कार से ही आंखों में दिल की खुलती है, तो कुछ यकीन बनते हैं। आका जी का गुलाम नहीं थे, क्या आका जी को कह रहा था, जन्नत दोजख 7,000 साल, 7,000 साल, सोचो पहले सोचो उस लफ्ज, उस सहाबी को वहां तक दिख रहा था, कहते जन्नतियों को देख रहा हूं, दोजखियों को देख रहा हूं, खुदा का अर्श भी मुझे नजर आता है, बताओ, उनकी जबान अल्लाह की जबान, उनकी कुवत अल्लाह की कुवत। हजरत उमर एक सहाबी की बात कहते आग लग गई, उसको उठाया, चलो उस आग को भगाओ, उससे क्या क्यों तंग करते, उनको पता था इस पर खुदा का करम, ये अल्लाह से राबता रखता है, जबरदस्ती की हजरत उमर ने, फिर वो गए आग को धकेला, आग चलने लगी, हट गई, लोगों को जलाती है, बस्तियों को जलाती, क्या करती, उसको क्या पता था ये इसका राबता खुदा से, ये ऐसा काम कर रहे हो। अच्छा लोग होते हैं जी, हाँ होते हैं। उसने आग को धकेला, बातचीत की, आग को कहा इधर उधर जा, इधर ना जा, निकल इधर से, हाँ क्यों कहते हैं औलिया अल्लाह, अल्लाह से आदमी सुलह कर ले, हर चीज की बात मानते, हर चीज सुलह कर ले, अल्लाह से सुलह कर ले। हजरत उमर के ऐसे वाकियात नहीं है, जब जमीन हुई जिले तो उठा के कोड़ा मारा, तेज तबीयत थे जलाल से, कहा उमर ने इंसाफ नहीं किया, हिलती क्यों है जमीन पे, हुक्म उठा के कोड़ा मारा, ये क्या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और तुम यही सोचते रहो फलक का होगा, सूर्य की शुमाई इधर जाएंगी, फिर ये चीजें होगी, फिर ये उलटेगी, ये उलटती हर जगह क्यों नहीं, जहां आदमी से वहीं उलटती क्यों नहीं, जहां आदमी होते हैं, मुझे दबाव जंगल में क्यों नहीं उलटती है, हैं? मैदानों में क्यों नहीं बाहर जाके उठती है, बयाबान में उधर ही उठती जहां हम तुम होते हैं, इसको पता है इधर ही उलट रहा। ये ऐसे कहती है, हमारा तो जितना यकीन खुदा नबी पर दूसरों पे नहीं है। हाँ चल जी, अरे को हम जाने, उनके तसव्वुर से बातों से अगर अकीदा है उससे कितनी कुव्वत और रहमत आती है, हम बैठते हैं ऐसे वक्त जाया तो नहीं होता, अपने काम कहा छोड़ के चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन नीयत अकीदे से फायदा होता है, तुम कहां जा छोड़ के नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, तुमको फायदा कम होगा, इसी तुम्हारे अकीदे बहुत कमजोर है खुदा पर नबी पर, जिन्हें तुमको ज्यादा नमाजों की जरूरत है, अच्छा तो समझ पढ़ी नहीं जाती, ज्यादा दुनिया में घिस घिस के मरने की जरूरत है, बस सब कमाया बनाया फिर छोड़ के मरा, मकान भी गया, दुकान भी गया, बैंक में था वो भी गया, अब इसको दफन करो, अब इसका माल लूटो, फिर लूटते उसका माल, फिर झगड़े होते हैं, ये मेरा ये तेरा, वो उधर मर गया मेरा तेरे वाले पीछे लगे हुए, नाड़े से भी चाबियां निकाली, वो तो नाड़े में के संदूक से निकालने के नाड़े में लगाओ, नाड़े में भी नहीं रही, देखिए
अब मैं भाई बंद करता हूँ, बातें अभी बहुत आ रही हैं तो इतनी काफ़ी हैं, ठीक है। हम आपको कहते हैं आई लव यू के साथ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप क्या कहते हैं? वाब सिखा दे रहा है मशवरा पास आदम वाश के कहता है के ना जाताना छोड़ कर कैसे कदम रखूं, जहां आका जी चले हैं वहां मैं पैर कैसे रखूं। देखा कहां तक मोहब्बत में सोच जाती है सोच। इसी बाजे औलिया जाते ना इसी हरम के अंदर, इतना सफर काटते थे अपने वतनों से मुल्कों जमा पहुंचते थे, हरम के बाहर सलाम बाहर से पढ़ते थे जाते थे, अंदर आका जी चले उनके पैरों पे कदम आएंगे, वहां पेशाब करना पड़ेगा, वहां थूकना पड़ेगा, तो बाहर से सलाम करके चले जाते। माशाल्लाह नहीं जाते थे, सारा सफर करके हरम के हद के बाहर खड़े बाय से सलाम किया चले गए। नहीं काफी, वो वासिल भी थे और अल्लाह ताला नबी करीम से ताल्लुक भी करवा देते थे, न कहीं से दूर है मंजिल न कोई करीबी की बात। ये सुन ले शेर, ऐसे और भी बहुत अच्छे अच्छे शेर मोहब्बत वालों ने लिखे हैं। ओ पाँव रखने वाले, ओ पाँव रखने वाले, ये जा चश्मो सर की, यहां सर रखना चाहिए, आंखें रखनी चाहिए, तू वहां पाँव रखता है आका के कदम। ओ पाँव रखने वाले, ये जा चश्मो सर की, यही नमाजें पढ़ते थे, यही दुआएं पढ़ते थे, कोई दूसरी अलहदा कोई स्पेशल खास तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनके अंदर अजमत मुस्तफ़ा आ चुकी थी, उनके कुरान में असर, उनकी जबान में असर, उनकी निगाह में असर। नहीं कुरान हम तुम दूसरे पढ़ते हैं, कोई और कुरान तो नहीं, ना हम लोग की जबान में असर, ना निगाह में असर, ना दुआ में कबूलियत, कि उनके ना वो सुरूर ना कैफ ना वो वजद जो उनको आते थे, जो उनके असर नहीं, क्यों नहीं खुलते, अंदर अजमत नहीं है। इसी आका जी ने कहा ऐसी कौमें आएंगी बड़ा कुरान पढ़ेंगी सही पढ़ेंगी, तुम में अरबी अजमी है कि तुम सही पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन ला युजा विज तराकीम, उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, हलक तरी रहेगा। तो खुदा हमको आपको उन लोगों में से न करे, बल्कि उन लोगों से करे कुरान हदीस जो भी है ये दिल के अंदर उतर जाए इंशाल्लाह, हलक तक ना रहे। ये भी हदीसें हैं, इसी वो असर नहीं है, यही अवलिया पढ़ते कोई दूसरा कुरान पढ़ते, इसी कुरान की कुलवल्ला पढ़ के इस बुजुर्ग ने फूंका तो वो डेला सोना बन गया। सुभान अल्लाह, इसी कुरान हदीस के उसको अल्लाह ताला की अजमत रिजा तो बुजुर्ग ने कहा मेरे एक साल मेरी खिदमत कर तू और मैं तुझे कीमिया सिखाऊंगा, लेकिन तू एक साल इबादत कर बस इस नीयत से खुदा रसूल राजी हो जाए और कुछ नहीं मांगना खुदा से, और मेरी फी सबीलिल्लाह खिदमत कर मैं तेरी दुआ करूंगा। अगर एक साल तूने वजीफे पढ़े इस नीयत से जो नीयत बुजुर्ग ने कहा मैं तुझे बताइए, तो तुझे कीमिया की नीयत से मैं कीमिया तुझे सिखाऊं तो मैं फिर सिखा दूंगा, वादा करता हूं। साल उसने खिदमत की और सारे वजीफे पढ़े, साल के बाद जब उसने देखा बात नहीं करते, मौका से उससे बात की कि मैंने अब घर जाना मुझे साल हो गया है, तो आप मैंने आपका वादा पूरा किया है, आपने जो वादा किया वो भी पूरा करें,
उसने कहा बात सारी पूरी करो। उसने कहा आपसे मैं गुजारिश की थी कि मेरे दिल में एक बात बैठी हुई है, मैं कीमिया सीख जाऊँ, तो आप बुजुर्ग हैं तो ये आपके पास कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहरबानी करें कीमिया सिखाएं। तो आपने मुझे कहा था एक साल वजीफे पर इस नीयत से कि तुझ पर खुदा रसूल राजी हो जाए और मेरी एक साल खिदमत कर, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। तो मैंने आपकी खिदमत भी की, जो काम आप कहते थे वो करता था, और एक साल वजीफे पढ़े हैं, अब साल से ज़्यादा हो रहा है, और मुझे अब इजाज़त दे मैं घर जाऊँ और कीमिया सिखाएं। कहा इसी नीयत से पढ़ा था खुदा रसूल राजी, कुछ और तो नहीं मांगा। कहा कुछ नहीं मांगा खुदा से, बस ये कि खुदा राजी हो जाए, नबी करीम राजी हो जाए। कहा अच्छा हमको वजू करा दो, ये लोटा लो जाओ पानी निकालो। वो पानी निकालने का सोने चांदी के ढोल निकल रहे थे भरे हुए, खुदा ने सोना चांदी सब उधर कर दिया। वो वापस आया बोला पानी की जगह सोना चांदी निकल रहा है। कहा तुमने खुदा रसूल को राजी कर लिया है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब तुम कीमिया क्या सीखे करोगे, तुम खुद कीमिया हो गए हो, जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो होगा, और लोग तुम्हारे जूते उठाएंगे तुम्हारे पीछे फिरेंगे। जाओ लोगों को वजीफे दिया करो, अल्लाह अल्लाह करो। कहते चला गया वहां से, किसी को कोई दुआ देता था दुआ लग जाती थी, बद दुआ करता था बद दुआ लग जाती थी, किसी का कोई काम होता था कहता ये पढ़ लो, दो लफ्ज ही बता देते वो काम उसका हो जाता था, जिनके काम हो जाते थे वो उठा उठा के नजराने और चीजें लाके देते, घर उसका भर जाता था फिर तकसीम कर देता। बड़े लोग हुकूमत के आते थे उनके मसाइल हल होते थे, सोने चांदी की पलेटें लेके आते थे, जहां जाता था आगे पीछे दुनिया गुलाम थी, दिल से जो उनका हो गया दुनिया तेरी हो गई, लाख चोर है चमार है हकीर है। देखा ऐसे वाकयात हुए हैं और होते रहते हैं। हाँ जी चले, लाख चोर चमार इसी मौके पर घर तू हो गया, उनका घर तू हो गया, दुनिया तेरी हो गई, उनका घर तू हो गया, दुनिया तेरी हो गई, लाख तू हकीर है, लाख तू हकीर है, या चोर है चमार है, लाख तू हकीर है। आपका आमना सामना का अदब तो हो ही नहीं सकता, माफी नहीं हो सकता। आपका नाम लेने के लिए खुदा ने जिब्रील को भेजा, जिसके सामने आपका नाम आए और वह आपकी अजमत के तकाजे से दुरूद न पड़े, खुदा उसकी नाक खाक आलूदा करे। ये बददुआ खुदा ने जिब्रील से करवाई और आका जी से आमीन करवाई, वरना आका जी ने आमीन नहीं कहनी थी रहमत, कि करनी पड़ेगी कि तुमको ऐ सैयदना मोहम्मद मोहब्बत है, लेकिन हमको ऐ मोहम्मद आपसे आपसे भी बेपनाह मोहब्बत है। ये बेपनाह मोहब्बत का मसला है ना, कि खुदा ने इतना मखलूक को इस तरफ तंबीह किया और होशियार किया कि उनका हुक्म मानना या उनका आमना सामना तो और चीज है, उनका नाम तुमने सुना तो तुमको होश आनी चाहिए, ये किसका नाम आ गया सामने। तो ये सही हदीस है जिसमें तीन वाक्यात है, माँ बाप का और का, उसमें ये नबी करीम की दुरूद का वाक्या कि जिब्रील को आसमानों से भेजा, जाओ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहो रगे मैम फुमर इन, खुदा उसकी नाक खाक आलूदा करे। जिब्रील को अल्लाह ताला कहते हैं रजुलुन ज़ुकिरता इंदहू फलम युसल्ली अलैह, जिसके सामने आपका नाम आ जाओ फिर दुरूद ना पड़े। बताओ ये छोटी बात तो नहीं। जब आपका नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर एक दफा कह लिया करो, इसमें रब और इसमें नबी, इसमें
रब और इसमें नबी अर्श पे है अजल से लिखा अर्श पे है अजल से लिखा दिल पे भी अब लिख लो आओ भैया दिल पे भी अब लिख लो आओ भैया का करम दे पा फिर खुदा ने फरमा दिया फिर खुदा ने फरमा दिया मन असुरत अले हाजत हो मन असुरत अले हाजत हो जिस पे कोई मुश्किल आ पड़े उसका काम न हो फल युग सिर अलैया भी सलाह वो कसरत से जरूर पड़े उसका काम हो जाएगा। हदीस शरीफ हदीस मुबारक आह मन असुरत अले हाजत हो जिसकी कोई परेशानी हो हाजत हो काम न होता हो वो कसरत से दुरूद पड़े अल्लाह ताला उसका मामा काम कर देगा। हदीस शरीफ आप तजर्बा कर हमारे अक्सर काम ऐसे होते हैं सऊदीया में भी ऐसे थे यहाँ भी ऐसे होते मदरूसी में लग जाते काम हो जाते। तो आका जी ने कहा ना मन असुरत अले जिस पर कोई मुश्किल वो हम दूसरी पढ़ते हैं हमारे अब तक ही काम ऐसे ही होते हैं और लोगों को भी यही बताते हैं जो करते हैं तो उनके भी काम हो जाते हैं और जो दिल से लग जाते हैं सारे हालात में तब्दीली आती है रिज़्क में खैर औलाद में खैर दुश्मन दूर क्योंकि जहाँ आप ज़्यादा दूर पढ़ेंगे तो आका जी की निगाह करम आएगी उसको याद करता है तो आप जब आपको आपको देखेंगे तो उनकी नज़र रहमत है ना तो फिर रहमत आप पे उतरेगी नहीं उतरेगी फिर रहमत हालात बदलती है तो बदलेंगे तो आपके जब वजीफे पूरे हो जाएं तो दुरूशी बहुत पढ़ा करें हाँ बहुत पढ़ा करें और या कारोबारी हैं या कॉलेज में हैं या किसी नौकरी पे हैं तो छोटा दुरूद पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पढ़ा जाता है कि बड़ा दुरूद अगर इंसान पढ़े तो तवज्जो देनी पड़ती फिर आप आपस में काम नहीं कर सकते अपने कॉलेज के वो कर नहीं सकते वो मामले तो छोटा दुरूद चलता रहे जब खाली हो तो सबसे अफजल बड़ा दुरूद है कौन सा नमाज वाला हाँ तो इसकी आदत डालें तो आपके मसले हल होते रहेंगे हाँ तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे मुझको भी तौफीक दे। खुदा ने ये फरमा दिया फिर खुदा ने ये फरमा दिया मोमिन सदा बंदा मोमिन सदा जो पकड़े हर दम उनका सीना जो पकड़े हर दम उनका सीना जो पकड़े हर दम उनका सीना जो पढ़ ले हर दम उनका वजीफा जो पढ़ ले हर दम उनका वजीफा जो पकड़े हर दम उनका वसीला जो पकड़े हर दम उनका वसीला। एक सहाबी को तीन दफा आपने कहा का तेरे लिए अच्छा है कि तुझको फायदा पहुंचेगा जब तीसरी दफा कहा उसने कहा जो भी मेरे पे वक्त होगा मैं दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहूंगा। कहा इज़न अगर तूने ऐसा किया जैसे कह रहा इज़न तुकफा हम्मुक जो चीज की तुझे फिक्र होगी परेशानी होगी दूर होगी तेरी मुराद पूरी होगी। युगफर ज़म्बक अगर तेरे गुनाह है या मुसीबत है ऐसी है तो गुनाह की सजा नहीं मिलेगी माफी मिलेगी क्या चाहिए तुम और इसके बावजूद आका को जरूरत नहीं है। बाद अहले तरीकत पे करम था तो कहते हैं उनका उन पे करम हुआ आकर का इतना जरूर पढ़ते मुझको जरूरत इसकी नहीं है। आगे प्यार का जुमला फरमाया बस मेरा दिल खुश होता है मुझको याद करते हो
تو دیکھو ہم محبت کرتے ہیں, آقا بھی محبت کرتے ہیں. ہماری محبت کوئی قیمتی, لیکن ان کا محبت کرنا دیکھنا ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہے. تو آپ کا جب وظیفے پورے ہو جائیں تو درود شریف نہ چھوڑا کریں, ہر وقت پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو سلطنت اہل طریقہ سکھائیں تو اس کو چھوٹا درود مت سمجھو, اس کو بھی بہت بڑا درود سمجھو. ہمارے مشائخ جب بولتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے, اگر پوچھتے تھے چپ ہو جاتے تھے, تم سمجھ جاتے تھے آقا جی نے اجازت دی ہے. ایسے ہوا کہ مشائخ سے پوچھا کہ جو آپ صلی اللہ سکھاتے ہیں تو حدیث میں آ کے مکمل درود آل و اصحابی, علماء بھی سارے کہتے ہیں اس میں تو آل بھی نہیں ہے اصحاب بھی نہیں ہے, کیا آقا جی نے ایسی کہا؟ اگر آقا جی نے کہا تو نہیں سوچنا چاہیے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی, نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. اور کسی نے کہا ایسے معصوم کہ شیخ نے تھوڑی سی ہاں کی ایسے بس. تو اہل طریقت سے اگر جس سے فائدہ ہو, سب کے ساتھ نہیں, وہ لفظ کہہ دے تو پھر اس کو سوچے نہیں یار, باتیں نہ سنیں. درست اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے, نہیں آئی تو تب بھی ٹھیک ہے, جو مرضی پڑھو. تو یہ بھی صلی پورا ہی درود ہے اگر آپ کی زبان سے آیا ہے. اگر آپ کی زبان آیا ہے نہیں آیا ہے واللہ عالم بالثواب, تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑا درود ہے, بہت ہی بڑا درود ہے. آپ آل اصحاب کہیں نہ کہیں, وہ آل اصحاب تو ان کی طفیل خود ہی شامل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آدم نے جب اس میں پا, دیکھا آدم نے جب اس میں پا, دیا معافی کا ذریعہ بنا, دیا معافی کا ذریعہ بنا. جب پر سزا ہے, جب یہ ماں پر سزا ہے, او گا کرم بے با, اس پہ ہو گا کرم بے با. اچھا ماں اس لوگ کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ فقیر فقیری دور ہے, فقیر فقیری دور ہے, اونچی لمبی کھجور ہے, چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے, گر گیا تو چکنا چور ہے. ایسے ہی فراف شیخ کا شیخ لگا ہوا تھا, بچ گیا, وصال آسان ہو گیا آقا سے رابطہ اس کا, کہ فراف شیخ کا مسئلہ ایسا ہی ہے نا کچھ. کہتے بیٹھا ہوتے شیخ کے پاس, امتحان آ گیا اس پر, اس مریض پر بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ نے اشارہ کیا. کیا اشارہ کیا؟ کہا یہ خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خضر علیہ السلام تمہارے سامنے. شیخ نے اس کو کہا, اس نے دیکھا ہی نہیں خضر کو, اس سے کہا میرے خضر آپ ہیں, انت خضری, مجھے کسی خضر کی, میرے خضر آپ ہیں, حجابہ تھٹے. کہا یہ محمد مصطفیٰ ہیں. چلو دیکھا, وہ ہر جائی جس کے پاس گیا, میں ادھر ادھر بھی میرا شیخ ہے, ادھر بھی میرا شیخ ہے. اس کی مثال دیتے ہیں طریقت میں, عورت ایک خامن شادی کرتی, دو کرتی, چار کرتی. عورت ایک خامن کرتی, شادی سے پہلے وہ دیکھ سکتی ہے یہ گھرانا اچھا ہے وہ اچھا, شادی ہو گئی پھر اس پر حرام ہے دوسرے خامن کو دیکھے, اچھا ہو یا نہ ہو اب نہیں دیکھنا. غیرت کا تقاضا اپنے خامن کو ہی دیکھنا, صحیح ہے غلط؟ اپنے خامن کو دیکھنا, غیرت برداشت نہیں کرے.
इसका मतलब जिसे बुरे तो नहीं होता, इससे भी अच्छे हों, लेकिन उसूल ये अपनी शादी कर ली, अब ख़त्म। अब तेरा ध्यान उस मर्द की नाक अच्छी है या मर्द अच्छा है तारीफ या उसको देखना, ये गैरत के खिलाफ। ऐसे ही तरीकत में अगर शेख से जुड़ा है, दूसरे शेख का ख्याल तक ना आए, हाँ ख्याल तक ना आए, ख्याल तक नुकसान देता है। ये ऐसे मसले हैं, ये आसान तो नहीं है। जैसे इंसान शादी कर ले, खत्म, अब उसने शादी कर ली, खलास, खामंद का मसला हो गया। और खामंद का नहीं था तो किसी को खामंद बनाना देख ले, किसी को शेख बनाना देख ले, जब बना लिया बात खत्म। अब शेख उसका, सारे शेख खत्म, उसका एक ही शेख, खुदा रसूल के बाद किसी को शेख ना समझे, हैं या नहीं है, ये उसूल है तरीकत का। जैसे सब नबियों को मानता है लेकिन सबको भूल जाता है, बस कहता है हजरत मोहम्मद मुस्तफा, न करीम का तसव्वुर न ख्याल तूने सुना, मेरी आरजू मोहम्मद मेरी जुस्तजू। ऐसे ही अगर शेख से ताल्लुक रखने से पहले, हाँ जी राबते से पहले वो देख ले, अगर किसी को शेख मान लिया, राबता कर लिया, सब शेखों को भूल जाए, ना किसी शेख का तसव्वुर, ना उसके वजीफों, उसका ख्याल आना उसके गैरत के खिलाफ, लेकिन जबान पर न लाए और बेअदब ना हो कि कोई शेख नहीं है और बेअदबी बोले, कहीं फैज ये नहीं बोलना है, हो सकता है फैज ज्यादा हो सकता है उससे बड़ा हो, लेकिन अब शादी कर ली, अब नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा मसला है, हाँ तो ये मसला सही होगा तो फिर कुछ खुलेगा, उसको गैरत शेख है, नहीं देखता किसी शेख, हाँ आमना सामना हो गया सलाम दुआ कर ले, किसी से गुर्जा मजार से, उसको पता है हमारा शेख शहनशाह, हमने भीख कहीं से नहीं मांगनी है, हमारा बाप शहनशाह, उस मजार पे फातिहा पढ़ के चला जाएगा, फैज लेने नहीं खड़ा होगा, ना किसी शेख के पास ना किसी मजार के पास। हाँ मोहब्बत से फातिहा पढ़ दी कोई, जैसे इंसान चचा के रिश्तेदार कोई हदिया ले जाता, यही है, लेकिन उसका बाप जहां से बाप ही, ये इस किस्म के मसले हैं। लेकिन अब पता है क्या है हो रहा है, इसीलिए तरीकत की बातें नहीं खुलती हैं। वो पंजाबी की मिसाल बना लो, अगर मैं गलत निकल जाए, केड़ी गली जिते फत्तो नहीं खड़ी, फत्तो मजार कर भी चला गया, शेख के पास चला गया, इधर चल गया, उधर गया, उधर क्या, ये सारी उम्र लटका ही रहेगा, ये धोबी के कुत्ते की तरह इसका खाल ना हो जाए। न खुदा ही मिला न विसाल सनम, वो यकीन भी उसका नहीं बना, जिसके पास गया उसके साथ उसका हो गया, उसके पास गया उसका हो गया, जब तू बिक गया तेरी शादी हो गई, तेरे खामत बना लिया, अब तुम्हें देखना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है। अगर वो खामंद गैरत वाला है, उसकी बीवी अगर क्या फलाना बड़ा अच्छा लगा लगा, खामंद बर्दाश्त करेगा क्या, इसको मैं अच्छा नहीं लगता, ये कैसे देखती है, कैसे उसकी गैरत नहीं है, तो बेगैरत को कोई फायदा नहीं, तरीका नहीं, गैरत बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ तो ये चीज जब पैदा होगी उसके बाद कुछ जाहिर होगा, आका का फैज किसी सूरत में, जो उसको लैला मजनू बनाएगा, अगर उस शेख में ये बात है तो ये उसूल उस पर होने चाहिए, इस उसूलों के बाद उसको कुछ जाहिर होगा जो यकीन बनेगा। जो ये उसूल इस मरीज में नहीं है, सारी उम्र 100 शेखों के पास जाए उसका यकीन नहीं बनेगा, क्योंकि यकीन वाली बात देखता नहीं है ना। अब यकीन वाली बात दिखे कहां, जब उसमें वो मुरीद वाली लैला मजनू वाली सच्ची तलब वाली बात नहीं है, तो ये चीजें होंगी तो फिर तरीकत खुलती है, वरना हजारों लाखों लगे हैं तरीकत में, तो सबके रबते हुए हैं, लाखों में कोई निकला है, मजे वजीफे पढ़ते रह कर इधर चल गए, बल्कि शेख भी बाजे कमजोर होते हैं, उनको पता होता है हम वो नहीं है, तो वो बोल नहीं सकते, वो कहते जिधर भी जाए हमारे पास भी आता जाता रहे, इधर भी चाय पानी हमको से मिल जाती है, कहते हैं जहां से मीठा पानी मिले पी लो, कहीं भी चले जाओ कोई बात नहीं, उधर गए थे फैज लेने गए थे,
शेख मरीज को गैरत सिखानी थी या फिर लेने भीख लेने भेजना था उसको, तो खुद भी कमजोर होते हैं, खुद कमजोर ना होता तो ऐसी बात ना करता, उधर जाओ उधर जाओ, जाहिर सलाम दुआ से वो और है लेकिन अंदर उसकी गैरत पैदा करता, तो उसमें वो बात होती तो गैरत पैदा करता ना, ऐसी बातें बताएगा मुरीद ने उस पर अमल किया फिर ना हुआ फिर रुसवाई होगी ना, कि जो उसूल थे मैंने तो किए फिर क्यों नहीं दिखा, नहीं जरूर होगा, दिखेगा उसको कुछ ना कुछ जो उसका यकीन बनेगा, जो उसमें वो नहीं दिखा तो समझो वो शेख भी नहीं है। पीर मिले पर पीर न जाए, ऐसे पीर न कम में हो। हाँ, ऐसे पीर न कम में हो, ये ऐसे शेर हैं, ये सही शेर हैं। तो जिसको शेख की तलाश है उसके ये असूल हैं, ये सब के लिए मिताब आपके मेरे लिए नहीं है, हर मुरीद के लिए उसूल हैं, हर शेख के लिए ये उसूल हैं, और ये बे इत्तिफाक मसला है। जब तक शेख से नहीं जुड़ेगा खुदा रसूल की मोहब्बत नहीं आएगी, शेख से जुड़ेगा तो आका की मोहब्बत शुरू होगी, उसकी अलामतें होंगी, लेकिन मोहब्बत वाला बात करे ना, अगर मोहब्बत वाले काम किए उसूल के किए फिर मोहब्बत नहीं मिली तो वो शेख नहीं है, होना चाहिए। अगर मोहब्बत वाली बातें की तो फिर वो नजर आए तो फिर आका जी की मोहब्बत शुरू होगी, आका जी की मोहब्बत में कामिल होगा तो फिर आगे अल्लाह की शुरू होगी। तरीकत में ये उसूल बड़े पक्के हैं, ये मैं बुनियादी उसूल मैंने बताए हैं जो इख्तिलाफ से अलहदा, इसमें सबका इत्तेफाक। तो खुदा करे जिसको तलब है इसको खुदा सच्चा करे, जिसको तलब नहीं है तो उसको कोई पीर मिल जाए उसकी गाड़ी निकाल दे, बस उसका कारोबार चला दे, उसकी शादी करा दे, उसकी बीमारी दूर करा दे, उसको खुदा रसूल का तो है नहीं, उसको तो यही चाहिए था। उसको खुदा रसूल का चाहिए तो उसको सारी जिंदगी अपनी खर्च करनी पड़ेगी, हाँ मरते दम तक लैला के पीछे चक्कर काटना पड़ेगा, वो रूठे तो उसको मनाना पड़ेगा, बड़ा रफड़ है, रफड़ जानते हो, बड़ा रफड़ जे, शेख के शेख की तरफ भी दिल न जाए उसका। हाँ, बाजे मशाइख तरबियत करते थे, हमारा शेख ऐसा था उसे, जब वो पूछता था मरीज आपके शेख साहब और कैसे थे और क्या था, तो शेख मुंह फेर लेता था, तवज्जो नहीं देता था, कि बेवकूफ है, इशारा नहीं समझता है, कि हम जैसे अपने शेख को देखते थे करते थे तो हमको नसीब हुई है दौलत, ऐसे तुम भी अपने शेख को देखो, तुम्हारे बाप से तुम्हारा राबता होना चाहिए, दादे से नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है, तुम उसके वारिस बनोगे, ये ऐसी बारीक बातें कैसे शेख साहब मुंह फेर लेते थे, समझाते थे कि हम अपने शेख से जुड़े हैं तो हम ऐसे, तुम भी अपने शेख का गीत गाओगे तो होगा, लेकिन ये तब होगा जब उसको तलब शेख भी तो होगी ना, वो तो तलब शेख तलब खुदा रसूल में तो आया नहीं है, वो तो आया कि भाई मैंने सुना है कोई शेख है मुझे फलाना मसला हल करना, तो तरीका जो असल बुनियादी चीज है मसाइल का नहीं होता, खुदा रसूल से मोहब्बत और ताल्लुक का होता है। तो अल्लाह ताला करे जिनके दिल में है खुदा उनके लिए आसानी करे, और जिनके दिल में नहीं है खुदा उनके दिल में ये तमन्ना डाले आका के इश्क की, और आका अल्लाह के इश्क की और आका के इश्क की ये तमन्ना डाले। जब भी इंसान के एक चीज दिल में तमन्ना पैदा होती है फिर उसके लिए खुद ही वो हर चीज कबूल करता है, खुद ही कबूल करता है, जो तमन्ना नहीं तो कहां कबूल करेगा। उनकी तमन्ना नहीं तो कुछ भी नहीं। चले मदनूर मुजस्सम या मुहम्मद नूर मुजस्सम या मुहम्मद रहमत आलम या मुहम्मद रहमत आलम या मुहम्मद आते हैं हम या मुहम्मद आते हैं हम या मुहम्मद डाले नैनें या मुहम्मद। ये हम जो कहते हैं ना अंधे हैं, ये दूरी की वजह से कहते हैं,
आमना सामना आदमी बोल सकता है ऐसे, बोल सकता, बोल सकता नहीं बोल सकता। तो ऐसे चल रहे हैं, आमना सामना आवाज ऊपर कर सकता, ऐसे बोल सकता है या मोहम्मद डाले रहेगा, वेद भी नहीं है उस वक्त नहीं बोल सकता। जब तक दूरी है, कमजोरी है, जब तक दूरी है, कमजोरी है, गफलत है, ऐसे बोल सकता है माफी में। जब तक दूरी है, कमजोरी है, गफलत है, हाँ जी, ज़हनी मोहब्बत भी है, मायल भी है, लेकिन दिली मामला नहीं है, कुर्ब नहीं है, ऐसे बोल सकता। कुर्ब शुरू हो जाए नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता, अगर बोलेगा तो एक दो लफ्ज ही निकलेंगे, जी जी। बाजू से हम कलाम होते थे, बोल नहीं सकते थे, कुर्ब था उनको। जब सामने का वक्त आता था, कुछ ही मुंह से निकलता था, बिल्कुल जी निकलती थी, बस जो कहते हैं जी। ये बातें करनी चाहिए ताकि पता हो, मोहब्बत बहुत दूर है, मोहब्बत के मामले बहुत गहरे हैं, कुर्ब की सूरतें बहुत अजीब हैं। नहीं बोल सकता आदमी, ये गफलत की वजह से, कमजोरी की वजह से, दूरी की वजह से, ये इतनी जुरत जो हम लोग करते हैं, बोलते हैं, ये तो खामोश। एक सुकून और रहमत के दरिया में आदमी होता है, सुकून और रहमत का दरिया, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि दायरे के अंदर जब आ जाता है तो उस दायरे का नाम कौन सा नाम है पता ही है आपको, रहमत लिल आलम। चारों तरफ रहमत की बारिशें, दिल पे, दिमाग पे, सुरूर, कैफ, सुकून। कैसा सुकून हो कहेगा क्या, कैसा सोच से बाहर है, ऐसे कहते हैं। तो खुदा करे इस रहमत की तलब में बैठे हैं, अदब भी ज्यादा आता जाए, समझ भी कुछ आती जाए, रहमतें भी होती जाए, जो मिला है वो हाथ से ना जाए, और आगे और भी करम होते जाए, माफियां भी मिलती जाए। हाँ इंशाअल्लाह ताला, बस वो इसी बात में है, अगर उनकी बात को अहमियत देनी शुरू कर दे, उनकी बातों को दिल से कबूल कर ले, बोझ ना हो उसके दिल पर। आका की कोई हुक्म, कोई आका की चाहत, जो चाहते हैं वो करने के लिए उसको खुशी हो। ये नहीं कि बाजी चीज़ों पे अमल करे, बाजों पे ना करे, सोचे, सोच खत्म कर दे, बस जो चाहें वही इसने करना है। जो मिजाज यार में आया, न कहीं से दूर है मंजिल, न कोई करीबी की बात है, जिसको चाहे नवाज दे, ये दरे हबीबी की बात है। अल्लाह ताला हमको आपको सबको नवाज दे। हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على
सैयदना मौला ना मुहम्मद ओ कायद आजम नबिया दे ओ कायद आजम वलिया दे ओ कायद आजम नबिया दे ओ कायद आजम वलिया दे असी होर किसे नू नहीं मनना असी होर किसे नू नहीं मनना साडे कायद आजम आका जी असी होर किसे नू नहीं मनना साडे कायद आजम आका जी असी होर किसे नू नहीं मनना साडे कायद आजम आका जी असी होर किसे नू नहीं मनना साडे कायद आजम आका जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौला ना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौला ना मुहम्मद। अगर वो देख रहे हैं कहा तो है लेकिन अगर वो देख रहे हैं और किसी को दिख रहा है कहे माशाल्लाह ये उनकी इनायत है कि रुखन का इधर ये उनकी इनायत है ये उनकी इनायत है कि रुखन का इधर सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद। अगर आज मेहरबानी हो गई तो कल भी हो गई खुदा साहब का करे मरते दम तक होते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद ओ अरबो अजम दे सैयद ने सरदारी फकत ओ ना दे ओ अरबो अजम दे सैयद ने सरदारी फकत ओ ना दे ओ अरबो अजम दे सैयद को बड़ा मरता उसका कानून खत्म हो जाता है दूसरे शुरू हो जाते हैं यह ना गया लेकिन आका जी हयात नबी हैं जो कह गए और कुरान दे गए वो जारी है। अरबो अजम दे सैयद ने सरदारी फकत ओ ना दे ओ अरबो अजम दे सैयद ने सरदारी फकत ओ ना दे अरबो अजम दे सैयद ने सरदारी फकत ओ ना दे हर चीज ओ नानो जान दिए हर चीज ओ नानू जान दिए सुल्तान फकत ने आका जी हर चीज ओ नानू जान दिए सुल्तान फकत ने आका जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना जान दिए। मक्के से जब गुजरते थे पहाड़ों के पास से आवाज आती थी अस्सलामुअलैकुम या रसूल हदीसें पढ़े और भी उसे वाकया था। अगर जबल ओहद पे गए तो जबल ओहद सारा पहाड़ हिला खुशी से कि मोहम्मद मुस्तफा आया माशाल्लाह।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 قانون ہونا دی ہر گلے اللہ دی زبان محمد جی قانون ہونا دی ہر گلے اللہ دی زبان محمد جی پتھر تے لیک او بن جاندی پتھر تے لیک او بن جاندی جیڑی گل پر ماون آقا جی پتھر تے بھیکیوں بن جاتی اسی آقا جی صحابہ کو کہتے تھے مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو کہ آپ جو زبان سے نکالتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے اور جس عمل کو زیادہ کرتے ہیں خدا اس کو لازم کر دیتا ہے ایسی باتیں ہیں آقا جی کی عظمت کی حقیقت ہے پوچھ لیں علماء سے پتھر تے لیک او بن جاندی پتھر تے لیک او بن جاندی جیڑی گل پر ماون آقا جی پتھر تے لیک او بن جاندی جیڑی گل پر ماون آقا جی پتھر تے لیک او بن جاندی قانون اونا دی ہر گلے اللہ دی زبان محمد جی قانون اونا دی ہر گلے اللہ دی زبان محمد جی پتھر تے لیک او بن جاندی پتھر تے لیک او بن جاندی جیڑی گل فرماون آقا جی پتھر تے لیک او بن جاندی جیڑی گل فرماون آقا جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جو چاندے نے او کر دین دے تخلیق شہادی نور خدا جو چاندے نے او کر دین دے تخلیق شہادی نور خدا او رب تے پر رب دی قسم او رب تے نہیں پر رب دی قسم رب کو جدا نہیں آقا جی او رب تے نہیں پر رب دی قسم رب کو جدا نہیں آقا جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
کول اونا دے آ جاندا معافی اونو رب دے دیندا اے جڑا کول اونا دے آ جاندا معافی اونو رب دے دیندا یہ بڑی حکمت والی ہے آقا کی عظمت کو بہت اجاگر کرتی ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے خدا نے کہا کوئی ظلم کرے گناہ کرے کوئی مصیبت کرے اگر جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے ہم معاف کر دیں گے کول اونا دے آ جاندا معافی اونو رب دے دیندا جڑا کول اونا دے آ جاندا معافی اونو رب دے دیندا جڑا تھوڑی وفا وی کردا اے جڑا تھوڑی وفا وی کردا اے بدری کر دے دے آقا جی جڑا تھوڑی وفا وی کردا اے بدری کر دے دے آقا جی اللہ ہما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد اللہ ہما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد اللہ ہما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد اتری سیا رحمت جگتے ہے نظر محمد دیس تے اتری سیا رحمت جگتے ہے نظر محمد دیس تے اتری سیا رہنا ازلا تک اتری سیا رہنا ازلا تک اینو آپ چلا دے آقا جی اتری سیا رہنا ازلا تک اینو آپ چلا دے آقا جی اللہ ہما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد اللہ ہما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد اللہ ہما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد شفیق شکر تو کر رب دا مرشد دا تینو در ملیا شفیق شکر تو کر رب دا مرشد دا تینو در ملیا جے مرشد نال وفا کیتی جے مرشد نال وفا کیتی مل جان گے تینو آقا جی جے مرشد نال وفا کیتی مل جان گے تینو آقا جی اللہ ہما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد اللہ ہما صلی اللہ سیدنا و مولا نا محمد